भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राजभर और जिला मिलन राजभर के नेतृत्व में सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और AIMM के असुद्दीन ओवैसी का प्रतीकात्मक पुतला दहन TD कॉलेज चौराहे पर किया गया। भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने कहा कि जो हिंदू धर्म के दुश्मन सलार मसूर गाजी के ने भारत देश पर 16वीं बार आक्रमण किया, वही सुहेलदेव ने 16वीं बार उनको पराजित किया। जब 17वीं बार आक्रमण किया तब महाराजा सुहेलदेव जी ने देश के दुश्मन सलार मसूर गाजी को मार गिराया। उसी को देश के दुश्मन सलार मसूर गाजी के मजार पर ओम प्रकाश राजभर और AIMM असुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर चादर फूल माला चढ़ाए। वो हिंदी समाज और राजभर समाज का अपमान कर भारतीय सुहेलदेव को जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज ओम प्रकाश राजभर नहीं है तो भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम राजभर ही सुहेलदेव के वंशज हैं। ओम प्रकाश राजभर तो राजभर नहीं VR हैं। ये तो अपनी जाति का परिवर्तन करते रहते हैं और फिर अपनी जात का परिवर्तन कर ओम प्रकाश राजभर से ओम प्रकाश ओवैसी बन गए। इस ओम प्रकाश और ओवैसी का पुतला दहन में उपस्थित सुखारी राजभर, लल्लन राजभर, जय प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, ओम राजभर, मोहन राजभर, बम्बन राजभर, मनोज राजभर, राष्ट्रीय सलाहकार तारकेश्वर चौरसिया, वीरेंद्र यादव आदि रिमूवा राम कार्यकर्ता पुतला दहन करने में उपस्थित रहे। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ बलिया की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख जी, आज किस तरह का पुतला दहन किया है, क्या है पूरा मामला? ये जो है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ओम प्रकाश राजभर जी का जो पुतला फूका गया है, जो देश के दुश्मन जो है, देश के दुश्मन, भारत के दुश्मन सलार मसूर गाजी मियां, जो कि देश को और 16 बार आक्रमण किया, जो कि भारतीय सुहेलदेव जी राष्ट्रीय वीर महाराज सुहेलदेव जी ने उनको 16 बार हराने का काम किया, पराजित करने का काम किया, 17वीं बार जब आक्रमण किया उनको मारने का काम किया, मार गिराए और उन्हीं के मजार पर जाकर ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी मिलकर उनको अपने देश के दुश्मनों को, भारत के दुश्मन को उनको फूल माला और चादर चढ़ाने का काम किए। इस पर भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी पूरे राजभर समाज उनके खिलाफ है, इसलिए हम लोग ओम प्रकाश राजभर का पुतला फूकने का काम किए और ओम प्रकाश ओवैसी। मैं मिठू राजभर हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ सुहेलदेव जनता पार्टी का। आज किस तरह का कार्यक्रम रहा? आज ये हम लोग जो हमारे समाज के महापुरुष थे महाराजा सुहेलदेव, जिन्होंने सैयद सलार मसूर गाजी पे विपक्षी जो है उन्हीं के जाकर, जो विपक्ष थे उन्हीं के जाकर इन्होंने चादर चढ़ाया है, जो गलत है। हमारे समाज उनका जगह जगह पुतला फूक रहा है, विरोध कर रहा है इनके लिए कि हमेशा ये गलत नीतियों के साथ दे रहे हैं। तो ओम प्रकाश तो अब ओवैसी के साथ हाथ भी मिलाए हैं और UP में अपना गठबंधन कर किए हैं। हमारी पार्टी उनका विरोध करेगी, हर जगह विधानसभा चुनाव जो 22 का है उसमें लड़ाएगी और उनको हराने का काम करेगी।